हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी की थी अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ एंड द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्सप्लेन द टर्म फाइनाइट डिफॉर्मेशन जस्ट एक्सप्लेन ध्यान रखना एक्सप्लेन एक्सप्लेन का मतलब इसके बारे में बताना है होती क्या ये एंड डिस्क्राइब द लगरैंजियन मैथड एंड आइलेरियन मैथड फिर उसके बाद बोल रहा है कि लगरैंजियन मैथड क्या है फॉर फाइनाइट डिफॉर्मेशन और आइलेरियन मेथड क्या है फॉर फाइनाइट डिफॉर्मेशन और अगर आपको याद हो तो फ्लूड डायनामिक्स में भी आपने ये सेम मेथड स्टडी किए थे लगरैंजिन मेथड एंड आइलेरियन मेथड तो वहाँ पर भी आपने डिस्कशन की थी बताया गया था कि लगरैंजीज ने लगरैजिन ने क्या क्या किया था आइलेरियन ने क्या किया था तो सेम सिचुएशन इज हियर पर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है देखते हैं ज़रा कैसे है डिफॉर्मेशन इन विच डिसमेंट यू टूगैदर विद डिटिव ध्यान रखिए अ डिफॉर्मेशन इन विच डिस्प्लेसमेंट यू अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ठीक है अ डिफॉर्मेशन इन विच डिस्प्लेसमेंट कैपिटल यू टुगेदर विद देयर डेरिवेटिव्स आर नो लॉन्गर स्मॉल मतलब ये जो आपके डिस्प्लेसमेंट आती है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन बोलता है ये डिफॉर्मेशन ये जो डिस्प्लेसमेंट और इसके डेरिवेटिव्स अगर वेरी स्मॉल ना हो तो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट डिफॉर्मेशन अगर ये वैल्यूज इनकी वेरी वेरी स्मॉल ना हो तो उसको नाम देते हैं फाइनाइट डिफॉर्मेशन द डिफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाई लग्रेंजियन मैथड एंड आइलेरियन मैथड तो ये दो मैथमेटिशियंस थे इन्होंने एक क्या यहाँ पर हमें एक डिस्कशन दी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरीके से आप फाइनाइट डिफॉर्मेशन के लिए लगरैंजियन मेथड को यूज़ कर सकते हैं तथा आइलेरियन मेथड को यूज कर सकते हैं तो उनकी डिस्कशन उनको आपने ध्यान से सुनना है फिर आगे मेरिकल प्रूफ इसका मैथमेटिकली चल पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अब देखिए जरा किया क्या है यहाँ पे बेसिकली इन लग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन पहले लगरैंजिन को पकड़ रहे हैं लग्रैंजिन ने क्या किया द कोऑर्डिनेट स्मॉल ए आई ऑफ ए पार्टिकल इन द इनिशियल स्टेट आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगरैंजिन ने क्या किया इनिशियल स्टेज पे मतलब जब आपने डिफॉर्मेशन नहीं की थी बॉडी बॉडी की आप के ऊपर अप्लाई नहीं की थी तो वहां पर उसने मान लिया इनिशियल स्टेज पे जो पार्टिकल डिपेंड कर रहा है जिन वेरिएबल्स के ऊपर दे आर स्मॉल ए आई केस ऑफ आइलेरियन डिस्क्रिप्शन आइलेरियन ने क्या किया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए वो लिए उसने एक्स आई ध्यान रखिएगा दो वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल चल पड़े लग्रैंजियन ने वेरिएबल यूज किए स्मॉल ए आई और आयलेरियन ने वेरिएबल यूज किए स्मॉल एक्स आई ये कोई दिक्कत नहीं है आप वेरिएबल जो मर्जी यूज कर सकें कर सकते हैं लेकिन ये जो उन लोगों ने यूज किए हम उनकी बात कर रहे हैं लग्रैंजियन ने वेरिएबल लिए ए आई आयलेरियन ने वेरिएबल लिए उसके बाद क्या किया उन्होंने कंसिडर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कॉन्टिन्यूस मीडियम ले लिए सो मैनी पार्टिकल्स लेट कोऑर्डिनेट ऑन कर्व सी नॉट ये ये एक कर्व है ये दूसरी कर्व है सी नॉट कर्व जो ली मैंने वो ली बिफोर डिफॉर्मेशन और बिफोर डिफॉर्मेशन ये जो कर्व है इट डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट्स स्मॉल ए आई ठीक है ये जो कर्व है इट डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल स्मॉल ए एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पार्टिकल वो पार्टिकल सेम है वो चाहे इस फील्ड में चाहे इस इस उसमें चाहे सी नॉट कर्व के ऊपर है या सी कर्व के ऊपर है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पार्टिकल्स आफ्टर डिफॉर्मेशन जब आपने फोर्स लगा दी फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन हुई डिफॉर्मेशन के बाद हमने ले लिया कि दिस कर्व सी नॉट चेंजेस टू कर्व सी एंड वेरिएबल्स आर एक्स आई ठीक है जी वेरिएबल एक्स आई और यहाँ पर ये यह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली डी एस नॉट इनिशियल स्टेज पे लगरेंजिस की वजह से और आई की वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले ली डी एस दिस इज बिफोर डिफॉर्मेशन दिस इज आफ्टर डिफॉर्मेशन तो आई थिंक नो प्रॉब्लम सिंपल है कोई कुछ भी नहीं है उसके बाद देन एलिमेंट्स ऑफ आर्क ऑफ कर्व सी नॉट एंड सी आर गिवन बाय एलिमेंट मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए सी नॉट का ये ले लिया सी का सी नॉट में लिया डी एस नॉट यहां ले लिया हमने डी एस तो ये डी एस नॉट किसके ऊपर चलेगा ए आई के अनुसार ये डी एस किसके अनुसार चलेगा एक्स आई के अनुसार तो डी एस नॉट ले लिया हमने डी एस नॉटल टू देखो एक्स कम्पोनेंट का स्केर वाई कॉम्पोनेंट का स्केर चेड कॉम्पोनेंट स्केयर डी ए वन स्केयर प्लस डी ए टू स्केयर प्लस डी ए थ्री स्केर ना यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दीज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज और यू कैन डाइटाइज डी ए आई इन टू डी ए आई वहाँ आप ए वैक्टर यूज़ करते थे यहाँ पर हम डी एस या डी एस नॉट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप ए वैक्टर लेते थे यहाँ डी एस ले रहे हैं वहाँ ए नॉट लेते थे यहाँ डी एस नॉट ले रहे हैं और डी एस ले लिया डी एक्स वन स्केर प्लस डी एक्स टू स्केर प्लस डी एक्स थ्री मीन्स डी एक्स आई इन डी एक्स आई आई वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री नंबर टू कर दी इसको तो ये थी एक जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर बोथ द मेथड्स अब बारी बारी से स्टडी करेंगे दोनों मेथड्स को पहले ले लिया हमने आईलेरियन डिस्क्रिप्शन आई लेरियन में ले क्या लिया वेरिएबल हमने लिए एक्स आई आई लेरियन में क्या किया हमने जो ए आई वेरिएबल हैं दे डिपेंड्स अपॉन एक्स आई और लग्रैंजिन में क्या हो जाएगा जो एक्स आई हैं दे डिपेंड्स अपॉन ए आई ट्रांसफॉर्मेशन एक किस्म से हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर एक्स आई दैट इज ए आई इज फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आई लेरियन केस में वेरिएबल एक्स आई हैं फंक्शन बन जाएगा ए आई के केस में वेरिएबल ए आई हैं फंक्शन बन जाएगा एक्स आई तो बारी बारी से देखते हैं इनको नाउ डी ए आई फिर डिफरेंशियल फॉर्म दिस इज अगेन डिफरेंशियल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है डी ए आई टू कर ली ए आई और कर ली एक्स जे डी एक्स जे कर ली ए और कर ली एक्स जे मीन्स ए आई का डायरेवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जे कॉमन के साइड डायरेवेटिव आ गया डी एक्स जे और जे को मैंने कैसे प्लेस कर दिया अपनी सुविधा के लिए ठीक है जी अब इन दोनों डी ए को उठाया और या नंबर वन एम प्रोट कर दिया तो डी एस नोट्स करके बन गया डी ए आई इन टू डी ए आई एक डी ए आई ये है एक ये है ठीक है जी मल्टीप्लाई कर दिया या उसी तरीके से दूसरा डी एस स्केर डी एस एस के मैंने डी एक्स आई इन डी डी एक्स आई आई को मैंने से रिप्लेस कर दिया और डी एक्स के को मैंने कर्नेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ कर ली मतलब तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वापस मंडेंगे जैसे ही जे की वाली के होगी जैसे ही जे की वाली के होगी बन जाएगा डी एक्स के या आगे तो यहाँ पर मैंने कर्नेकर प्रॉपर्टी यूज कर ली जिस तरीके से हम आईडेरियन में चल रहे हैं सेम डिस्क्रिप्शन हम लगनेजिन में करेंगे फर्क क्या होगा यहाँ पर ए आई है

तो अगर रिजिड बॉडी मोशन है तो उसका जो इनिशियल स्टेज के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगी वही फाइनल स्टेज के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगी उसको फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा तो डी एस स्केयर टू डी एस नॉट अल्टीमेटली कहने का मतलब डी एस माइनस डी एस नॉट को हम मेजर करेंगे डी एस स्केयर को मेजर करेंगे सो so, डी एस कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ स्ट्रेन एंड वी कैन राइट इट एज डी माइनस डी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू डी एस आपने ये निकाला है और डी नॉट आपने ये निकाला है तो डी एस और डी नॉट स्क्वेयर की वैल्यूज रख दी यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद डी एक्स जे डी के डी जे डी के दोनों में कॉमन और इसको नाम दे दिया मैंने अब टू इटा जे के डेल्टा जे के माइनस ए आई कॉमा, जे, ए आई कॉमा, जे, ए आई कॉमा के, इस को नाम दे दिया मैंने टूटा पैर में जे के डीएक्स के सिंपल कुछ भी नहीं है जे के इक्वल ये जो ईटा के है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कॉम्पोनेट के टर्म में लेके जाएंगे और देखेंगे क्या होता है मतलब यू आई के टर्म में वे यू आई एंड नो वेरी माइनस ए आई इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्वेश्चन नंबर टेन में देख चुके हैं आप यू आई होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यहाँ से ए आई निकाल लिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू तो जे डिफरेंशिएट कर दिया कॉमा जे इधर आ गया कॉमा जे इधर आ गया कॉमा जे इधर आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स आई कॉमा जे का मतलब होता है करली एक्स आई बटे करली एक्स जे और करली एक्स आई बटे करली एक्स जे का मतलब होता है अगर आई और जे सेम है तो वैल्यू वन आई और जे डिफरेंट है तो वैल्यू जीरो तो इसका दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा आई जे अब इसको याद ही कर लो जहाँ पर भी कर ली एक्स आई ओवर कर ली एक्स जे कर ली ए आई ओवर कर ली ए जे आपको नजर आएगा तो उसका दैट इज डेल्टा आई जे तो इसको लिखते मैंने डेल्टा आई जे फिर मैंने क्या किया जे को केस रिप्लेस कर दिया बिकॉज हमें यहाँ पर ईटा जे के में ए आई कॉमा जे चाहिए ए आई कॉमा के चाहिए तो ए आई कॉमा जे मैंने ये निकाल दिया जे को के से रिप्लेस करके ए आई कॉमा के मिल गया दोनों को ठा यहाँ रख दो तो टू ईटा जे के लेके चले दोनों को रख दिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दीज ओपन द ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट करके ये आ गया आपके पास डेल्टा आई जे डेल्टा आई के डेल्टा आई जे यू आई कॉमा के माइनस यू आई कॉमा जे डेल्टा आई के माइनस माइनस प्लस हो गया यू आई कॉमा जे यू आई कॉमा के उसके बाद ये भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ अगर डेल्टा दो गुणा में नजर आए तो सेम सोफिक्स को हम छोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा जे के यहाँ पर डेल्टा जैसे जे के वाली जैसे आई के वाली जे होगी आई की वैली कर्नाका कर डेल्टा को यूज़ कर रहा हूँ आई के वाली ये जे होगी तो वन हो जाएगा तो तुम्हें बचा यू जे कॉमा के यहाँ पर भी यूज़ कर करिए जैसे ही आई की वाली के होगी तो वन हो गई यहाँ बन जाएगा यू के कॉमा जे और लास्ट में यू आई कॉमा जे यू आई कॉमा के एज इट इज़ तो अल्टीमेटली डेल्टा जे के डेल्टा जे के कैंसर और बाकी जो बचा वो हमने लिख दिया ये आया हमारा टू इटा जे के दिस फंक्शन इटा जे के आर कॉल्ड आइलेरियन स्ट्रेन कॉम्पोनेंट्स ये है आइलेरियन स्ट्रेन कॉम्पोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ डिसप्लेसमेंट कोई दिक्कत नहीं उसके बाद लगर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेम ऐसे चलना इसके उल्ट चलेंगे <coughs> लग्रंजिन में क्या हो जाएगा नाउ एक्स आई आर फंक्शन ऑफ ए आई सेम प्रोसीजर वहाँ क्या था ए आई आर फंक्शन ऑफ एक्स आई यहाँ पर एक्स आई आर फंक्शन ऑफ ए आई तो यहाँ से डी एक्स आई निकाल लिया फिर सेम चीज़ डी एक्स आई मीन्स डिफरेंशियल फॉर्म कर ली एक्स आई वीटर कर ली ए जे इन डी ए जे कर ली एक्स आई वेटर कर ली ए जे का मतलब एक्स का एक्स आई का डायरेक्टिव रिस्पेक्ट टू ए जे कॉमा जे आ गया अब डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए जे है ध्यान रखना है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मैंने जे को के से रिप्लेस कर दिया अब इन दोनों वैल्यू को उठाओ इन दोनों वैल्यू को उठाओ और लगरें में पुट कर दो तो। इसको मैंने नंबर ए दे दिया तो लगरंजन का था डीएसएस के रिकॉर्ड एक्स आई कॉमा जे ये आई लेरियन में आप डी एस नॉट्स के लेके चले यहां पर डीएसएस लेके चले डी एक्स आई इंटू डी एक्स आई और डी एक्स आई डी एक्स कर दिए और वैल्यू पुट करने के बाद रिटर्न कर दिया फ्रॉम नंबर वन डीएस नॉट स्केयर था डी ए आई डी ए आई डी ए आई को मैंने कर दिया इसको आई को मैंने से रिप्लेस कर दिया और डी ए के को मैंने लिख दिया डेल्टा जे के ए डी ए जे जैसे आई लेरियन में किया था वैसे यहाँ पर इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिख दिया इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वापस अब डी एस स्केयर माइनस डी एस नॉट स्केर निकालना है जैसे आईलेरियन में निकाला वैसे यहाँ पर तो डी एस स्केयर डी एस स्केर ये है डी एस नोट स्केर ये है तो इसमें से इसको घटा दिया घटाने के बाद दोनों में से डी ए जे डी ए के कॉमन आ गया और ये जो टर्म आई इसको नाम दे दिया हमने टू एप्सिलॉन जे के आइलेरिन में बोला था हमने टू इटा जे के यहाँ आगे टू एप्सलन जे के फिर टू एप्सलन जे के इज टू दिस नाउ टू फाइंड एप्सलन जे के अब हमारा टारगेट है इसको निकालना इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू आई दैट इज यू आई टू एक्स आई मनी से आई सेम प्रोसीजर एक्स आई को टू यू आई प्लस ए आई दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू जे डिफ्रेंशिएट कर दिया ठीक है एक्स आई कॉमा जे यू आई कामा जे ए आई कामा जे को हमने फिर वही सेम डेल्टा आई जे लिख दिया फिर यहाँ से जे को हमने के से रिप्लेस कर दिया सेम प्रोसीजर जैसे आइलेरिन में किया था और उसके बाद उसके बाद इस एक्स आई के और एक्स आई जे की दोनों वैल्यू उठाई और यहाँ एप्सुलन जे के में रख दिए यहाँ पे जो एप्सुलन जे के था आपका इसमें आके यहाँ पर दोनों वैल्यू रख दी वैल्यू रखने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया अभी आपका टास्क है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यू आई कॉमा जे इन यू आई कॉमा के यू आई कॉमा जे इन डेल्टा आई के डेल्टा आई जे यू आई कॉमा के डेल्टा आई जे डेल्टा आई के माइनस डेल्टा जे के तो टर्म यहाँ डेल्टा आई के की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली आई के से रिप्लेस हो गया यू आई कॉमा के या फिर आई के वैल्यू जे यूज कर ली डेल्टा की वैल्यू यू जे कॉमा के J, हो गया यहाँ पर सेम आई है तो आई को छोड़ दिया जे के ऊपर आ गया और डेल्टा जे के डेल्टा जे के दोनों कैंसिल हो गए और ये जो बाकी बचा टू एप्सिलॉन जे के इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू आई कॉमा जे यू आई कॉमा के प्लस यू के कॉमा जे प्लस यू जे कॉमा के सो दिस इज़ नोन एज ल गेंजिन कॉम्पोनेंट ऑफ स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट <coughs> अब ये जो एप्सलन जे के आपने निकाला या इटा आई जे जो निकाला था ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एप्सलन आई जे या एप्सलन जे के केस नंबर वन देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है कंसिडर ए लाइन सेगमेंट सच दैट अब हमने एक लाइन सेगमेंट ली इस तरीके से ली देखते जाना जरा ये ध्यान रखना एक लाइन ली हमने इस तरीके से ली कि डी एस नॉट इक्वल टू डी ए वन ओनली वन कॉम्पोन डी ए टू जीरो डी ए थ्री जीरो लेट कैपिटल ई वन एक्सटेंशन ऑफ दिस एलिमेंट इन एक्स वन डायरेक्शन और हमने मान लिया सिर्फ और सिर्फ एक्स वन डायरेक्शन में एक्सटेंशन आ रही है और उस एक्सटेंशन ना को नाम दे दिया कैपिटल ई वन जब आपने डिफॉर्मेशन अप्लाई की फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो उसमें एक्सटेंशन आई दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई वन तो एक्सटेंशन का फार्मूला क्या होता था चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ डेल ए बटा ए होता था यहाँ डेल ए का काम कौन करेगा डी एस माइनस डी एस नॉट फाइनल माइनस इनिशियल बटा ए इनिशियल स्टेज की लेंथ कौन सी थी डी एस नॉट ये इनिशियल लेंथ थी आपकी इनिशियल लेंथ होती थी चेंज उसके बाद आती थी चेंज क्या होगी फाइनल माइनस इनिशियल क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डी एस नॉट के कॉम्पोनेट इकट्ठा कर दिए नाउ इन लग्रैंजियन सिस्टम डी एस स्क्यर माइनस डी एस नॉट स्क्र ये होता है टू एप्सिलॉन जे के डी ए जे डी ए के होता है यहाँ मैंने जे और के की वैल्यू वन रख दी क्यों वन रखी बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस ओनली इन एक्स वन डायरेक्शन जे की वैल्यू भी वन के की वैल्यू भी वन वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर इस डी एस की वैल्यू नंबर तीन सौ अठारह यहाँ रख दी कोई दिक्कत नहीं उसके बाद डी एस नॉट कॉमन ले लिया डी एस नॉट कॉमन लेने के बाद क्योंकि डी एस नॉट ए डी ए वन के बराबर लिया हमने तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा ई वन प्लस वन का होल स्क्र माइनस वन एक प्लस वन इधर आ गया फिर अंड रूट आ गया फिर ये प्लस वन इधर आ गया माइनस वन हो गया नंबर चार आ गया तो कैपिटल ई वन आया ये इसका मतलब ये हुआ लग्रेंजियन की वजह से जो लेंथ में एक्सटेंशन आई दैट एक्सटेंशन चारोटाफरी ई वन प्लस वन का होल स्क् माइनस वन इक्वल टू एप्सन वन वन ये जो इक्वेशन थी नंबर चार से ऊपर गिब्स होल हो स्क्वायर को खोलो क्या बन जाएगा वन इक्वल टू सॉरी माइनस वन इक्वल टू एप्सिलॉन वन वन क्योंकि E1 वन इज़ वेरी स्मॉल और ये बातें हम बार बार कर चुके हैं इफ़ क्वान्टिटी इज वेरी वेरी स्मॉल दैन द प्रोडक्ट ऑफ दोज क्वानिटीज और स्क्योर ऑफ दो ऑलवेज निगलिजिबल तो ई वन इज निगलिजिबल तो बचा क्या वन वन कैंसिल हो गया क्या बचा टू ईन इक्ल टू एप्सलन वन वन इसका ई वन इक्वल टू एप्सलन वन वन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एप्सलन वन वन है दिस रिप्रजेंट्स द एक्सटेंशन इन एक्स वन डायरेक्शन और अगर आपको याद हो तो जो इनफाइनाइट इनफाइनाइट फाइन ट्रांसफॉर्मेशन थी वहाँ पर एक्सटेंशन होती थी ई वन वन स्मॉल ई वन वन वहाँ होती थी स्ट्रेन यहाँ पर है एप्सन तो दे आर सेम उसी तरीके से केस नंबर टू दूसरा देखते हैं ज़रा कंसिडर टू लाइन एलिमेंट्स सच दैट डी एस नॉट ले लिया मैंने डी ए टू डी ए वन डी ए थ्री ले लिया जीरो डी एस नॉट बार ले लिया मैंने डी ए थ्री बार डी ए वन बार डी ए टू बार जीरो ले लिया

डॉट प्रोडक्ट लिया डी एक्स आई मॉड डी एक्स आई बार मॉड इंटू कॉसिटा डीएक्स डीएस के बराबर डी एक्स आई बार डीएस बार हो गया फिर इंटरचेंज कर दिया इसको उधर तो लिख के इसको उधर तो तो लिख दिया उसका बाद डी एक्स आई के वाली नंबर ए से नंबर ए आपने पीछे दिया था नंबर ए नंबर ए पीछे दे रखा है डी एक्स आई की वाली पुट कर दी डी एक्स आई बार की वाली पुट कर दी वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया उसके बाद जे की वाली टू रखी मैंने के वाली थ्री रखी क्यों रीजन बिहाइंड क्योंकि हम टू और थ्री में काम कर रहे हैं डीएस नॉट डी ए टू लिया डीएस नॉट बार डी ए थ्री लिया है ध्यान रखना है ये लिया हमने डी ए टू और डी ए थ्री तो उस वजह से हम जे के वैली टू रख रहे हैं और के, के वैल्यू थ्री रख रहे हैं जिस तरीके से आपने चॉइस की है उसी तरीके से जे और के वै रखे वैली टू के वैली थ्री डी ए टू डी दिक्कत नहीं उसके बाद क्योंकि टू एप्सलन जेके की वैल्यू होती है एक्स आई कॉमा जे एक्स आई कॉमा के माइनस डेल्टा जे के ये होती है फार्मूला है अभी ट्राइव किया तो यहां पर जे जेक वैली टू के वाली थ्री रखो इस फॉर्मूला में तो क्या बन जाएगा एक्स आई ये ऊपर आ गया एक्स आई कॉमा टू देख लो एक्स आई कॉमा थ्री इक्वल टू टू एप्सलन टू थ्री जे की वाली टू के थ्री रखो तो ये आपके पास टू एप्सलन टू थ्री आ गई तो यहां से कॉस्ट का लो डीएस डीएस बारपटे में आ गया उसके बाद मैंने अल्फा टू थ्री की बारी ले ली पाई पावे टू माइनस सीटा और अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन क्वेश्चन नंबर फोर ये अल्फा टू थ्री एंगल होता था पाई पावे टू माइनस सीटा बी चेंज इन राइट एंगल बिटवीन डी ए टू एंड डी ए थ्री बार बाई क्वेश्चन नंबर फोर तो थीटा निकाल लिया पाई पाए टू माइनस अल्फा टू थ्री इस थीटा की बारी यहाँ रख दी कॉस नाइनटी वन सीटा साइन थीटा बाकी तो सात सात साथ चल रहा है फिर टू एप्सिलॉन टू थ्री डी ए टू डी ए थ्री बार एज इट इज डी एस ये डी एस नंबर थ्री में निकाला था आपने टू एप्सलन टू टू प्लस वन अंडर रूट डी एस नॉट और डी एस बार टू एप्सलन थ्री थ्री प्लस वन डी एस नॉट बार नंबर थ्री और नंबर फोर से नंबर थ्री से डी एस की वैल्यू आ गई नंबर फोर से डी एस बार नंबर थ्री और फोर को कंबाइन करके डी एस की वैल्यू आ गई और वहाँ पर हमने आई की वैल्यू जे की वैल्यू टू तथा तो थ्री रख दी उसके बाद ये बन गया टू एप्सलन टू थ्री डी एस नॉट बार डी ए टू डी थ्री ये कैंसिल हो गए डी एस नॉट डी एस नॉट डी ए टू से कैंसिल होगा गया डी एस नॉट वार डी थ्री से कैंसिल होगा क्योंकि वी हैव स्पोज डी एस नॉट इकुडिस इकुड दिस एंड वी लेफ्ट विद दिस इफ एप्सलन आई जे इज़ वेरी वेरी स्मॉल इफ इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो इसका मतलब दिस बिकम्स वन दिस बिकम्स वन सो वी लेफ्ट विद अल्फा टू थ्री बट साइन थीटा इज अगेन वेरी वेरी क्लोज टू थीटा तो इसका दिस अल्फा टू थ्री इज इक्वल और अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर चार में आपने प्रूव किया था अल्फा टू थ्री इक्वल टू टाइम ई टू थी वहाँ पर ई टू थ्री था यहाँ पर एप्सलेंट टू थ्री है तो इसका मतलब अल्टीमेटली लग्रेंजियन और ये जो आइलेरियन मेथड है दिस इट्स गिव्स द सेम डिस्क्रिप्शन एज इन क्वेश्चन नंबर फोर सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली विच इज़ सेम एज द केस ऑफ इन्फाइनाइट सिमल स्ट्रेन क्वेश्चन नंबर को ये जो आइलेरिन और लग्रेंजियन ने यहाँ पर अपनी थ्योरी के अनुसार जो रिजल्ट दिया वही सेम रिजल्ट आपका ऑलरेडी इन्फाइनाइट फाइन ट्रांसफॉर्मेशन में इन्फाइनाइटिमल स्ट्रेन के लिए रिजल्ट होल्ड करता था ठीक है जी तो ये इसका सिग्निफिकेंस था इसके अगले वाला पोर्सन आप करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं क्या है द रेशो ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट इन स्ट्रेन स्टेट टू कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एलिमेंट इन अनस्ट्रेन स्टेट इज गिवन बाई द फार्मूला कर ली एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बटा कर ली ए वन ए टू ए थ्री याद कर लेना आपने एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कर ली एक्स आई कर ली ए जे आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को विद रिस्पेक्ट टू ए जे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स आई क्या है ए आई प्लस यू आई फिर इनको हमने अलग अलग कर दिया कर ली ए आई बटे कर ली ए जे प्लस कर ली यू आई बटे कर ली ए जे कर ली ए आई कर ली ए जे बन गया डेल्टा आई जे ये बन गया यू आई कॉमा जे और डेल्टा आई जे हो गया वन और जे एक टू आई और ये बन गया यू आई कॉमा आई और यू कॉमा यू आई कॉमा आई को नाम देती मैंने यहाँ पे डेल्टा यू डेल्टा इज इक्वल तो टू यू आई कॉमा आई और यू आई कॉमा आई होता है ई आई आई बी है प्रूव्ड इट क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है जी क्वेश्चन नंबर टेन हाँ तो ई आई आई का मतलब ई वन वन प्लस ई टू टू प्लस ई थ्री और ये होता है न्यू और न्यू होता है डेल्टी बटा भी देखो कहाँ पहुंच गई गाड़ी जाके तो अल्टीमेटली दिस दिस थिंग इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा डेल्टा इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एंड इज कॉल्ड द क्यूबिकल डायलेशन क्यूबिकल डायलेशन होमोजीनियस नॉट इन जनरल सुपरपोजिशन एप्लीकेबल टू फाइनाइट डिफॉर्मेशन तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था और तो ये है इसका नेट निचोड़ यहां पर दिस इज योर फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर दिस प्रॉब्लम अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि आइलेरियन मैथड एंड लग्रेंजियन मैथड जो हैं दे इट्स सेल्फ फिजिकली रिप्रजेंट द स्मॉल चेंज इन स्ट्रेन एज इन क्वेश्चन नंबर फोर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अठारह और क्वेश्चन नंबर उन्नीस में आपके लिए छोड़ रहा हूँ आ, मैं इतना मैंने आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं हालांकि मैंने करवाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखी ज़रा क्वेश्चन नंबर अठारह ये पेपर में पूछा गया है इफ़ यू इज़ फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई इज़ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड डब्ल्यू कोड जीरो आपके डिस्प्लेसमेंट के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं तो बोलता है कि अगर ये तीन कॉम्पोनेंट में से दो कम्पोनेंट एक्स वाई के फंक्शन और तीसरा कॉम्पोनेंट जीरो तो इक्वेशन ऑफ़ कंपैटिबिलिटी निकालो क्या हुआ इस केस में इक्वेशन ऑफ कम्पेटिबिलिटी क्या होगी तो दिस इज फॉर यू दिस इज होमवर्क फॉर यू पीपल और उसका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है इफ़ यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा जेड बाई बी इज इक्वल टू अल्फा जेड एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स फाइव ऑफ एक्स कॉमोबाई देन डिराइव इक्वेशन ऑफ कम्पैटिबिलिटी तो ये नुमरिकल प्रॉब्लम है आप इसको अब अगर पहले ये आर्टिकल करेंगे इस आर्टिकल के भिहा नुमेरिकल है यू ऑफ एक्स कॉमोबाई की जगह है माइनस अल्फा जेड बाई वी ऑफ एक्स कमोबाई के जगह आ गया अल्फा जेड एक्स और डब्ल्यू टू जीरो के जगह आ गया डब्ल्यू टू अफा टाइम फाइव ऑफ एक्स बाई उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन किया था क्वेश्चन ऑफ कम्पेटिबिलिटी मैंने आपको उस टाइम कहा था लास्ट वीडियो में कि आई विल गिव यू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एंड वट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है आप आप देखेंगे जरा खुद देखो जरा इक्वेशन ऑफ कम्पेटिविलीटी कम्पैटिबिलिटी आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इक्वेशन देखिए जरा क्या सिग्निफिकेंस है इसका लेट द मीडियम टू बी कट इन टू स्मॉल क्यूब इफ स्ट्रेन आर असाइंड टू ईच क्यूब आर्बिट्रेरि क्या किया आपने जो भी आपको मीडियम दे रखा था जो भी सिस्टम दे रखा था उसको हमने क्या किया स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया स्मॉल क्यूब्स मतलब छोटे छोटे पीस कर दिए वहाँ पे उसके ठीक है पर यह ध्यान रखा कि छोटे पीस करने के बाद उसमें कितनी चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस आपने नोट डाउन कर लिए हैं लेट द मीडियम टू बी कट इन टू स्मॉल एंड द क्यूब्स आर एब्जॉर्ब इन डिफॉर्म्ड कॉन्फिग्रेशन ठीक है जी छोटे छोटे क्यूब काट लिए और साथ में उसमें जो भी चेंजेस आ रही थी लेंथ में वो हमने उसको असाइन कर दी उन क्यूब्स को तो हुआ क्या कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की उसके बाद उन छोटे छोटे क्यूब्स के ऊपर ऑटोमेटिकली तो उनकी शेप और साइज चेंज हो गया जब शेप और साइज चेंज हो गया अगर आप उन क्यूब्स को वापस उन्हीं इनिशियल स्टेज में फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा वापस फिट नहीं होंगे हाँ पर अगर वो क्यूब कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते होंगे अगर कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते होंगे तो आफ्टर डिफॉर्मेशन वो क्यूब एज इट इज अपनी इनिशियल स्टेज में फिट हो जाएंगे दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन ऑफ कंपेटिबिलिटी तो अब मैंने जो बोला वो अंग्रेजी में लिखा हुआ यहाँ पे एंड द क्यूब्स आर एबजॉर्ब इन द डिफॉर्म्डि कॉन्फिग्रेशन देन इट विल बी नोटिस दैट दे डू नॉट फिट टुगेदर टूगैदर आफ्टर डिफॉर्मेशन दे दे नॉट नॉट डू देदर ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली ठीक है जी देयर विल बी होल्स और गैप्स अमंग दम अगर आप उनको फिट करने की कोशिश करेंगे वहां तो या तो गैप रह जाएगा या कुछ ना कुछ छेद रह जाएंगे ऑन द अदर हैंड इफ द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेन सेटिस्फाई द कंपेटेबिलिटी क्वेश्चन और उसके बाद देखा गया कि अगर ये स्ट्रेन जो थी अगर ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो उस केस में दे विल फिट टुगेदर प्रॉपरली इन द डिफॉर्म्ड पोजिशन विद नो होल्स और गैप्स अमंग देम। सो दिस इज वेरी मच वेरी गुड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंपेटिबिलिटी इक्वेशन कि अगर वो जो छोटे छोटे क्यूब्स आपने बनाए आफ्टर डिफॉर्मेशन बोलता है कि अगर वो स्ट्रेन उनकी स्ट्रेन जो है वो कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन को अगर सेटिसफाई कर जाती हैं तो उस केस में वो बड़े आराम से अपनी पोजिशन में द्वारा सेटल हो जाएंगे विदाउट एनी गैप एंड विदाउट एनी होल उसके बाद एक और ये एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की मतलब इक्वेशन ऑफ कंपेटिबिलिटी की क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपने जो कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन पांच छः सात पेजेस में निकाली थी यहां पर आप इन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट की हेल्प से इसको चार लाइन में निकाल सकते हैं कैसे देखो जरा शो बाई द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन कॉम्पोनेट ई आई जे ये आपको पता है ई आई जे होता है हाफ यू आई कॉमा जे प्लस यू जे कॉमा आई इट इज प्रूव इन क्वेश्चन नंबर टेन द इक्वेशन ऑफ कम्पैटिबिलिटी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ कॉन्टीन्यूअस सिंगल वैल्यू टू डिसप्लेसमेंट मतलब बोलता है कि अगर आप ये स्ट्रेन लेके चलें तो जो आपकी कंपेटिबिलिटी की नेसेसरी कंडीशंस हैं जो जो कंपेटिबिलिटी की कंडीशन हैं बोल रहा है कि दे आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सिंगल वैल्यूड डिस्प्लेसमेंट फंक्शन तो अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन सिंगल वैल्यूड डिस्प्लेसमेंट फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट करता है तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इट सेटिस्फाई नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंपेटिबिलिटी मीन्स देखो सिंस ई आई जे ये देखा हमें तो ई आई जे कॉमा केयर मतलब इसको पहले के एक साइडेंशियल के फिर एल के साइडेंशियल के ये बन गया उसके बाद आई और के को इंटरचेंज कर दो आई और के को इंटरचेंज करो लाइक वाइज जे और एल को इंटरचेंज कर दो नंबर वन में ये आ गया दोनों को ऐड कर दो नंबर तीन बन गया कोई दिक्कत नहीं है ये हम आपका टास्क है, उसके बाद क्या किया, इस नंबर तीन में जे और के को इंटरचेंज कर दो जैसे आप जे और के को इंटरचेंज करेंगे जैसे ही आप जे और के को इंटरचेंज करेंगे नंबर तीन में तो ये बन जाएगा आपका जे और के को इंटरचेंज करके ये आ गया और ये ये जो है ये आप फिर उसके बाद ये नंबर चार बन गया आपका दिस इज नंबर फोर नंबर तीन में जे और के को इंटरचेंज कर दिया नंबर फोर बन गया अब नंबर फोर को थ्री में से घटा दो जैसे नंबर फोर को थ्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नंबर फोर को थ्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इमिडिएट आपकी ये कंपेटेबिलिटी क्वेश्चन बन जाएगी यू कैन चेक क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में यू कैन चेक दिस इज योर कम्पेटेबिलिटी इक्वेशन विच इज सिमिलर टू द कंपेटबिलिटी इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल सो इस क्वेश्चन को अब मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे स्ट्रेन एनालिसिस का अब अगला जो आएगा दैट इज द स्ट्रेस एनालिसिस तो उसकी बात हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच